हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है? तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ और बताओ ऑडियो और वीडियो क्लियर है आप लोगों को? कोई भी दिक्कत कमेंट करेंगे आप लोग फटाफट। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोग को? ठीक है। सो कल का जो टॉपिक था, हम लोग स्टार्ट किए थे फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, ठीक है? याद है आप लोग को फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन?
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग नोट कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जेके फ्लिप फ्लॉप कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय टी फ्लिप फ्लॉप identify the inputs for T flip flop. ठीक है, ये क्वेश्चन है. ओके क्वेश्चन नोट कर लिए. चलो तो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए. यहां पे लिखा हुआ है जेके फ्लिप फ्लॉप कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय टी फ्लिप फ्लॉप. इसका मतलब है कि यहां पे आपको दिख रहा है कि टी फ्लिप फ्लॉप को यूज करके जेके फ्लिप फ्लॉप यहां पे फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले टू बी इंप्लीमेंट. कौन सा फ्लिप फ्लॉप इंप्लीमेंट करना है? सर जेके फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, और अपने पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन से हैं? अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप तो बोलूंगा मैं यहाँ पे सर टी फ्लिप फ्लॉप. ठीक, तो जो इंप्लीमेंट आपको करना होता है, जिस भी डिवाइस को आपको इंप्लीमेंट करना है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाओ. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप. देखो ये बढ़िया सा लिखा मैंने, तो ये हो गया जे के और क्यू एन, क्यू एन प्लस वन. So, यहाँ पे टोटल 8 कॉम्बिनेशन तैयार होंगे. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 और लास्ट में 1 1 1. ठीक, अब यहाँ पे आपको पता है सर जेके फ्लिप फ्लॉप में चारों स्टेट अवेलेबल होते हैं. 0 0 के लिए होल्ड स्टेट, ये होल्ड स्टेट हो गया दिस वन. यहाँ पे अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा रीसेट स्टेट, ये सेट स्टेट और ये टॉगलिंग. 0 का 1 1 का 0, यही होता है अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट जेके फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, अब यहां पे आपको दिख रहा है सर टी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, तो जो अपने पास अवेलेबल है उसके एक्साइटेशन टेबल पे आ जाओ. एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप. ठीक, तो यहां पे आपको मिलेगा सर क्यू एन और क्यू एन प्लस वन और ये अपने पास टी. तो बड़ा आसान है ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1. ठीक, तो आप लोग बताओ एक्साइटेशन टेबल में ये टी का अपने पास कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये टी के यहाँ पे सीक्वेंस क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे टी का सीक्वेंस क्या होता है, रिप्लाई फास्ट. कोई पेज पलट के देखेगा नहीं, है ना, याद करो क्या लिखा था आप लोगों ने. एग्जैक्टली 0 1 1 0, बहुत बढ़िया. सो ये हो गया 0 1 1 0. ठीक, अब इसी को यूज करना है ना. तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं टी इनपुट. क्या लिखा मैंने यहां पे, टी इनपुट. तो सर 0 0 के लिए देखो क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पे, 0 0 सर 0, फिर 1 1 सर 0, फिर यहां पे 0 0 0, फिर ये 1, फिर अपने पास ये 1, ये 0, ये 1 और ये 1. ठीक, ये अपने को मिल चुका है यहाँ पे टी का पूरा सीक्वेंस. अब बात आती है सर यहाँ पे जो टी का अपने को एक्सप्रेशन निकालना है, तो वही अपने को तो फाइंड करना था. क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द इनपुट्स फॉर टी फ्लिप फ्लॉप. बस, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, एक के मैं बनाऊंगा जिससे कि मेरे पास टी का एक्सप्रेशन आएगा, वही इनपुट बनेगा उस टी फ्लिप फ्लॉप के लिए.
तो ये हो गया जे के और क्यू एन, तो मैंने लिखा जे बार और ये जे, के बार क्यू एन बार, के बार क्यू एन, के क्यू एन और के क्यू एन, 0 1 3 2 4 5 7 6, ठीक ये। चलो अब इसको यहां पे रेडी करते हैं, 0 0 0 1 मतलब 0 0 0 1, यहां पे 1 आ गया, फिर उसके बाद ये 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ये अपने पास बनने वाला है। सो यहां पे आपको एक पेयर दिख रहा होगा और ये अपने पास एक पेयर है, ठीक समझ में आ गई पूरी बात। अब यहाँ पे अगर टी फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पे अरेंजमेंट जो आएगा, आप बोल सकते हैं सर ये इसके लिए, अगर मैं इस पेयर की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा अपने पास जे और क्यू एन बार प्लस, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू एन, तो ये आपको मिल चुका है टी का एक्सप्रेशन और यही अपने पास था इनपुट फॉर द टी फ्लिप फ्लॉप, समझ में आ गई बात। अब चलो यहाँ पे लॉजिक डायग्राम मतलब इसका डिजाइन देख लेते हैं, लॉजिक डायग्राम इसका डिजाइन कैसे बनने वाला है यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या मार्क करूंगा कि मेरे पास जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है वो है टी, ठीक ये टी फ्लिप फ्लॉप, ये लेआउट हो गया टी फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है एक इनपुट होता है और इसके दो आउटपुट होते हैं, एक नॉर्मल आउटपुट और एक कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट, ठीक। अब आपको फॉर्म क्या करना है सर, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जे क्यू एन बार, तो सबसे पहले आप क्या करो कि आप यहां से उठाओ और ये मैंने देखो ये किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, ये मैंने कनेक्ट किया और यहां पे आपको मिलेगा सर क्यू एन बार और यहां मैं लगा दूंगा जे, ठीक। उसके बाद आपको यहां पे लिखा हुआ है, सॉरी अपने को एक और एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है देखो फॉर्म कर लेते हैं, तो यहां पे मुझे मिल रहा है सर क्यू एन बार और ये हो गया जे, ठीक। मुझे एक और यहां पे चाहिए, ये हो गया और इसका एक इनपुट जो है वो अपने पास आएगा क्यू एन के फॉर्म में, ठीक है और यहां पे आप लिखोगे सर के, ठीक एंड दिस वन इज क्यू एन। अब इन दोनों को यहां पे मैं अप्लाई करने वाला हूं एक एक्सओआर ऑपरेशन मुझे यहां पे परफॉर्म करना है, ये ठीक। सो टी का एक्सप्रेशन क्या आएगा अपने पास सर जे क्यू एन बार प्लस क्यू एन के, ये अपने पास आएगा टी का एक्सप्रेशन दैट इज इक्वल टू टी, ये हम लोगों ने जो फाइंड किया हुआ है, ठीक। तो अगर मैं इसके कंप्लीट लॉजिक डायग्राम की बात करूं तो हम लोगों ने यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप यूज किया था, ठीक है तो टी फ्लिप फ्लॉप से हम लोग यहाँ पे किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं ये पूरा यहाँ पे फॉर्म कर देता हूं मैं, ये तो हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट किया जेके फ्लिप फ्लॉप में, तो रेड कलर में जो पूरा लिखा हुआ है ये क्या शो कर रहा है सर जेके फ्लिप फ्लॉप को, ये जे और के इनपुट्स हो गए और इसके दो आउटपुट्स ये देख लो क्यू एन और क्यू एन बार, ठीक। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन किस तरीके से आता है देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, मैंने इसके ऑप्शन आपको लिखवाए नहीं थे, आपको क्या करना था कि आपको यहाँ पे इनपुट आइडेंटिफाई करना था टी फ्लिप फ्लॉप के लिए, तो आपने आइडेंटिफाई क्या किया सर जे क्यू एन बार प्लस के क्यू एन, यही ऑप्शन में आपके पास मेंशन था। समटाइम्स ऑप्शन में आपको फिगर भी मेंशन हो सकता है या समटाइम्स आपको इसका एक्सप्रेशन ही आपको चूज करना पड़े, ठीक। तो दोनों मैंने आपको बता दिया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपने पास आईएएस के ऑब्जेक्टिव में आया था, ये क्वेश्चन, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने लिखा हुआ है कि गेट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक, आईएएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये। क्वेश्चन लिखने के बाद कमेंट करना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिए। अब देखो सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ो, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे आपको कौन सा फ्लिप फ्लॉप इंप्लीमेंट करना है, एन एक्स वाई फ्लिप फ्लॉप होस कैरेक्टरिस्टिक स्टेबल। तो ये अपने पास क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक स्टेबल है, ठीक, ये जो लिखा हुआ है इज गिवन टू बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। कौन सा फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे सर, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो पहले तो आप ये कमेंट करोगे कि आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट क्या करना है। आप हमेशा ऐसा लिखना स्टार्ट करो, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखिए सर यहाँ पे जो इंप्लीमेंट करना है वो है एक्स वाई फ्लिप फ्लॉप। अब सर ये एक्स वाई फ्लिप फ्लॉप तो आपने पढ़ाया नहीं है ना, ये क्या चीज है। तो कोई होगा एक सर्टेन फ्लिप फ्लॉप होगा जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको गिवन है, ठीक। अपने को चार फ्लिप फ्लॉप पढ़ने थे जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कल ही क्लास में पूरा डिस्कशन किए थे फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो एक्स और वाई फ्लिप फ्लॉप आपको पता नहीं क्या है, ठीक, ये, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपको गिवन है, ओके। और यहां पे मैं लिखूंगा जो अपने पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है, कौन सा फ्लिप फ्लॉप आपके पास अवेलेबल है। तो आप बोलोगे सर जेके फ्लिप फ्लॉप,
ठीक, ये समझ में आ रही बात यहाँ पे। अब सर अगर अपन देख रहे हैं जो अवेलेबल है, तो एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप जो अवेलेबल है उसका एक्साइटेशन टेबल देखते हैं हम लोग हमेशा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, Qn plus 1 और ये J और K, ठीक। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक, ये इस तरीके से। तो आप J और K का सीक्वेंस को याद है आपके पास, 0 1, डोंट केयर 1 0, ये इस तरीके से अपने पास सीक्वेंस होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। आप सर क्या करना है, जो आपको इंप्लीमेंट करना है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाओ। तो यहाँ पे मुझे एक्स और वाई फ्लिप फ्लॉप इंप्लीमेंट करना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको ऑलरेडी गिवन है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल हम लोग फॉर्म करते हैं 0101 के फॉर्म में होता है एक्चुअली में वो, तो सर वैसा तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्यू एन प्लस वन लिखा हुआ है वो है 1, फिर क्यू एन बार ये 0। सर ये क्या है अपने को समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ठीक है। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल कहां से बनाते हैं सर, हम लोग एक फिगर बनाते हैं जो भी फ्लिप फ्लॉप होता है उसका, हम लोग पहले एनालिसिस करते हैं कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं, तो हम लोग कौन सा टेबल बनाते हैं वहां पे, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल जो होता है वो उस डिवाइस के या उस फ्लिप फ्लॉप के फंक्शनिंग को शो करता है। तो एक्चुअली में आपको ये ट्रूथ टेबल ही गिवन है और इसी ट्रूथ टेबल के हेल्प से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाने वाले हैं, ठीक। तो अगर मैं ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाऊंगा, देखो कैसे दिखेगा अपने पास, ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ एक्स वाई फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ये लिखेंगे आप लोग। तो यहां पे हो जाएगा एक्स वाई और ये मैं लिखूंगा क्यू एन और क्यू एन प्लस वन। सर कितने कॉम्बिनेशन होंगे टोटल यहाँ पे, 8 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 और लास्ट में आएगा 1 1 1, ठीक। तो आप लोग ये देख रहे होंगे यहाँ पे क्या बना हुआ है मेरे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो आपको याद होगा हर एक फ्लिप फ्लॉप में सबसे पहले उसका फिगर बनता है, उसके बाद उसका ऑपरेशन देखते हैं, तो ऑपरेशन के थ्रू ट्रूथ टेबल हम लोग डिजाइन करते हैं और उसी ट्रूथ टेबल के स्टेट्स को देखते हुए हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल डिजाइन करते हैं किसी भी फ्लिप फ्लॉप का। और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को देखने के बाद हम वहां से एक्साइटेशन टेबल को निकालते हैं, ठीक है ना। तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इसी क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन है देखना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे सर इनपुट का जो कॉम्बिनेशन है अपने पास 0 0, इसी 0 0 के लिए क्यू एन क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो देखो ये हो गया अपने पास 1 और ये 1। सर 0 1 के कॉम्बिनेशन के लिए ये क्यू एन है। सर क्यू एन का मतलब क्या है, द नेक्स्ट आउटपुट क्यू एन के इक्वल है, मतलब कि कौन सा स्टेट सर, ओल्ड स्टेट। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 0 1 0 1 के लिए ये हो जाएगा 0 और ये 1, समझ में आ रही बात पूरी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 1 0 को मैं क्या लिखूंगा, क्यू एन बार। तो 1 0 अगर चलो आप यहाँ पे स्टेट भी आप इसका डिसाइड करते हो, ठीक है, चलो मैं आपको इसका स्टेट भी बताता हूँ, बढ़िया लगेगा आपको देखना। अगर मैं इसका स्टेट आपको बताऊं तो सर ये एक्चुअल में कौन सा स्टेट हो गया, सर ये सेट स्टेट, ये भी सेट स्टेट, और ये क्या हो गया सर, ये हो गया अपने पास होल्ड स्टेट और ये भी होल्ड स्टेट। 1 0 के लिए क्यू एन बार है, मतलब जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वो प्रीवियस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो कौन सा ऑपरेशन होता है ये बताओ तो कमेंट में, कौन सा ऑपरेशन है ये सर, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्यू एन बार, कौन सा ऑपरेशन है ये, क्या बोलते हैं आप लोग, एग्जैक्टली टॉगलिंग ऑपरेशन, ठीक। तो इसका टॉगल करो 1 और ये 0, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा लिख देता हूँ, ये हो गया अपने पास टॉगल। सब कुछ सीखना है आपने को एक ही क्वेश्चन में, है ना। उसके बाद सर 1 1 का क्या हो रहा है, सर 0, ये 0 और ये 0, इसका मतलब ये हो गया अपने पास एक रीसेट और ये भी एक रीसेट, तो एक रैंडम फ्लिप फ्लॉप अपने पास बना हुआ है ना। ओके चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब यहां से हम लोग डिसाइड करने वाले हैं जे और के इनपुट्स को। तो देखो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जे और ये अपने पास के, ठीक। सर जे के फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल यहाँ पे बना हुआ है। 0 0 के लिए आप क्या लिखते हो सर, ये 0 1 के लिए, 0 1 को देखो आप लिखते हो 1 x, 1 1 के लिए आप लिखते हो सर x 0, फिर ये 0 x,
वन वन के लिए x जीरो, जीरो वन के लिए वन एक्स, और ये x वन, फिर ये जीरो एक्स, वन जीरो के लिए x वन। तो आप देख सकते हो बड़ी आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टेबल और ये j और k का सीक्वेंस को ले आया हूं, ठीक। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे, है ना, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं, है ना, क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल आपने ये ट्रूथ टेबल से यहाँ पे फॉर्म किया एक्स वाई का, एक्स वाई फ्लिप फ्लॉप का, ठीक। अब मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे कि सर एक्साइटेशन टेबल ऑफ एक्स वाई फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, हालांकि इसी कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन चलो फिर भी देखते हैं, आपको आना चाहिए। तो एक्साइटेशन टेबल ऑफ एक्स वाई फ्लिप फ्लॉप क्या लिखते हो, सर ये हो जाए क्यू एन, और यहां लिखा क्यू एन प्लस वन, और ये एक्स एन बाय, ये ठीक ऐसे लिखते हैं आप लोग, तो हो जाएगा जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ठीक। यहां पे बताओ सर जीरो जीरो के लिए आपने देखो क्या लिखा हुआ है, ये जीरो 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 यहां पे है और यहां पे है, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स को देखो ये जीरो है और इसके करस्पॉन्डिंग ये वन, मतलब ये हो गया डोंट केयर, ठीक। वैसे ही वाई को देखो ये वन है और ये भी वन है, मतलब ये वन पे फिक्स हो गया, समझ में आ रही बात, ठीक है, कुछ डाउट है अपने को, ऑप्शन डी, अच्छा ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जीरो वन को, जीरो वन कहाँ पे अपने पास, सर ये जीरो वन, ये जीरो वन, दिस वन, फिर जीरो वन और कहीं पे ये फर्स्ट वन, तो आप देखो इसमें जीरो जीरो और वन जीरो, मतलब एक्स जीरो, मस्त हो गया ना ये तो, ठीक। उसके बाद वन जीरो के लिए क्या है सर अपने पास, वन जीरो के लिए सर ये वन जीरो यहाँ पे है और ये वन जीरो, वन वन ये वन पे फिक्स और ये डोंट केयर, ठीक। उसके बाद सर वन वन पे कितना हो रहा है बताइए, तो वन वन कहाँ पे, ये वन और ये वन वन, तो ये जीरो और ये एक्स, मतलब जीरो एक्स, तो पैटर्न देखो कैसा है, एक्स एक्स वन जीरो, एक्स एक्स जीरो वन, है ना, बढ़िया पैटर्न है यहाँ पे, ठीक। तो ये एक्साइटेशन टेबल भी हम लोग यहाँ पे सीख गए कैसे ड्रॉ करते हैं। कोई भी ट्रूथ टेबल आपके पास गिवन है, कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो, आप उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना सकते हो, एक्साइटेशन टेबल भी बना सकते हो, और इवन आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक। चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स का एक्सप्रेशन, सॉरी जे का एक्सप्रेशन निकालने के लिए, ठीक है, यही तो ऑप्शन में गिवन है अपने को। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक के मैप डिजाइन करूंगा बढ़िया सा, ये देख लो ये के मैप, ठीक। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्स, ये वाई, क्यू एन, एक्स बार एक्स वाई क्यू एन, वाई बार क्यू एन, वाई क्यू एन और वाई क्यू एन बार, जीरो वन थ्री टू फोर फाइव सेवन सिक्स, ठीक। एक और अपने पास के मैप बनेगा के लिए, एक्स वाई क्यू एन, एक्स बार एक्स वाई बार क्यू एन बार, वाई बार क्यू एन, वाई क्यू एन और वाई क्यू एन बार, ठीक, जीरो वन थ्री टू फोर फाइव सेवन सिक्स, ठीक है ये। चलो इसको नोट किया जाए, अब क्या हो रहा है सर देखो, वन एक्स जीरो एक्स, जे को देखो आप लोग, वन एक्स जीरो एक्स, ठीक। उसके बाद वन एक्स जीरो एक्स, वन एक्स जीरो एक्स, आप देख रहे होंगे क्वाड बन रहा है, और इसमें आपको जे की वैल्यू क्या दिख रही है सर, वाई बार, देख लो कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन डी, खत्म। के की वैल्यू भी निकाल लेते हैं फिर भी, तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिल करो इसको सर, एक्स जीरो एक्स, एक्स वन, एक्स वन, तो सर यहां पे फिर से एक क्वाड बन रहा है, मतलब के की वैल्यू एक्स, हो गया आंसर, बस और कुछ नहीं था क्वेश्चन में, यहाँ पे जे की वैल्यू वाई बार और के की वैल्यू एक्स, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलो बताओ समझ में आया आप लोग को, तो क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है अपने पास, तो इसमें भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए, कमेंट करो समझ में आ गया।
अच्छा आप लोग क्या करो, ये जो आपके पास एक्स वाई कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं चाहता हूं आप लोग इसका एक बार नेक्स्ट इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालो और कमेंट सेक्शन पे आंसर दो कि सर एक्स वाई फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल आपने फॉर्म किया ट्रूथ टेबल से और एक्साइटेशन टेबल भी फॉर्म किया। एक काम करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी निकालते हैं, मतलब नेक्स्ट इक्वेशन, और बताओ क्या आएगा। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं आप लोग का। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है अपने पास, है ना, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अपन यहाँ पे हर एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है ना, वो सब चीज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्यू एन प्लस वन ये कैलकुलेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स वाई क्यू एन, तो ये हो जाएगा एक्स बार एक्स वाई बार क्यू एन बार। ठीक, उसके बाद वाई क्यू एन वाई क्यू एन वाई क्यू एन बार। ठीक, 0 1 3 2 4 5 7 6। ठीक है, नेक्स्ट। तो अपने पास देखो क्या लिखा है, अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन गिवन है, कौन सा है 1 1 0 1, पुट करते हैं इसको यहां पे 1 1 0 1। ठीक, उसके बाद 1 0 0, मतलब 1 0 0 0, बस हो गया अपने पास। तो यहां पे आपको क्या क्या दिख रहा है, ये मुझे बनाना पड़ेगा, है ना, और इसके लिए सिर्फ यही ऑप्शन है। तो ये अपने पास दो बन रहे हैं। ठीक, तो मैं यहां पे लिखूंगा क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई बार क्यू एन बार प्लस, ये दोनों क्या बन रहे हैं अपने पास सर, एक्स बार और क्यू एन, बस हो गया आंसर। नेक्स्ट इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन चेक करो आप लोग का यही आ रहा है क्या, देखो ये वाई बार क्यू एन प्लस एक्स बार क्यू एन, बहुत बढ़िया। ठीक, हर एक टाइप की पॉसिबिलिटी जो है वो एक ही क्वेश्चन मैंने आपको शो किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। अब नेक्स्ट ये गेट है क्वेश्चन है। सो अपने पास ये जेके फ्लिप फ्लॉप बना हुआ है, ये जे और ये के। ठीक है, यहां पे क्यू एन, ये, और यहां पे एक साइन बना हुआ है, ये है क्लॉक के लिए।
तो फ्लिप फ्लॉप में तो क्लॉक होता ही है ना। ये हो गया अपने पास इनपुट, तो इस तरीके से अपने को फिगर गिवन था। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ इनपुट इज हाई देन आउटपुट क्यू एन प्लस वन बिकम्स, ये और इसके ऑप्शन जो मैं लिखवा देता हूं, क्यू एन बार, नेक्स्ट ऑप्शन है क्यू एन, और ऑप्शन सी सर हाई, और ऑप्शन डी लो। हाई का मतलब वन और लो का मतलब अपने पास जीरो, ठीक है ना। क्या बात है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है जो इसमें एक्स और गेट लगा है, ऑप्शन ए वैभव, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा, ध्यान से देखते रहना आप लोग, दो तरीके से आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ पे सर क्यू एन प्लस वन, सर ये नेक्स्ट स्टेट, ये नेक्स्ट आउटपुट हो गया है ना, नेक्स्ट स्टेट हो गया ये। सर हम लोग तो जानते ही है कि यहाँ पे जो है वो जे फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है, ठीक है, और जे फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पे अपने पास निकलने वाला है क्यू एन प्लस वन, तो सर इसका तो इक्वेशन हम लोग जानते हैं ना, नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन क्या होता है, या कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप, याद करो सर जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, ये आपको याद रहना चाहिए बिल्कुल, आपको याद नहीं है तो दिक्कत होगी आपको इस चैप्टर पे, है ना। तो ये अपने को पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब सर यहाँ पे जे और के बार, तो जे और के अपने पास क्या लगा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो जे का जो इनपुट है वो एक्सआर ऑपरेशन है किसके बीच में, सर ये इनपुट के बीच में, और इनपुट अपने पास क्या बना हुआ है, सर ये तो वन बना हुआ है, और यहाँ पे क्या आ रहा है क्यू एन, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सर वन एक्सआर विद क्यू एन, ये आप होना चाहिए आपके पास, ठीक। तो वन और एक्स और विद क्यू एन क्या निकलता है सर, वन क्यू एन बार प्लस वन बार क्यू एन, ऐसे लिखोगे ना आप तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू एन बार, और ये जीरो हो गया, मतलब कि क्यू एन बार, इसका मतलब सर आपको यहाँ पे जे की वैल्यू क्यू एन बार मिल रही है, और के की वैल्यू ध्यान रखना के की वैल्यू क्या मिल रही है आपको सर, अगर ये क्यू एन बार है तो इसका कॉम्प्लीमेंट, ये एक्चुअल में क्या है क्यू एन बार, फिर से फिगर एक बना लेंगे ना, इतना जितना मैं आपके सामने लिख रहा हूँ उसी में क्वेश्चन के फिगर में पूरा सॉल्यूशन नोट कर देंगे, तो फिर क्या, तो क्वेश्चन और सॉल्यूशन में डिफरेंस ही क्या रहा फिर, है ना। फिर से एक फिगर बनाना आप लोग,
तो क्यू एन बार ये है, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू एन मतलब क्यू एन, चलो इसको पुट कर दो, तो ये हो जाएगा अपने पास जे की वैल्यू, सर जे की वैल्यू अपने पास है क्यू एन बार और ये क्यू एन बार, ठीक। उसके बाद K को ध्यान से देखो, क्या लिखा अपने पास K, सर K अपने पास ये क्यू एन बार और ये क्यू एन, ध्यान रखना K की वैल्यू क्यू एन है और K के ऊपर बार भी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा क्यू एन बार प्लस जीरो, मतलब सर क्यू एन बार, ये इसका आंसर मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। लेट सपोज आप यहां पे बार लगाना भूल गए, लेट सपोज अगर ये बार नहीं लगा तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा क्यू एन बार प्लस क्यू एन, ठीक। और ये दोनों मिलके बूलियन लॉस से कितने बनते हैं सर, वन, और ये भी ऑप्शन में लिखा हुआ आप देख सकते हो, ये मिस्टेक होता ही है एग्जाम में, ध्यान रखना, इसलिए ऑप्शन उन लोगों ने ऐसे ही बनाया हुआ है, जहां पे आप जब मिस्टेक करो किसी भी स्टेप पे जाके और आपका आंसर कुछ और आ जाए, है ना, ये देख लो ऑप्शन सी भी आपके पास लिखा हुआ है, ठीक। तो ध्यान रखना इस बार का यहाँ पे, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ऑप्शन ए इसका आंसर, हटा दो इसको मैं, समझ में आ गया। और दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हो, है ना, दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हो कि इसमें आप एक पूरा ट्रूथ टेबल बना लो, ट्रूथ टेबल में लिख दो सर जे और के की वैल्यू क्यू एन बार है और क्यू एन है, उसी ट्रूथ टेबल में पूरे कॉम्बिनेशन ले लो और आउटपुट निकाल के देखो कहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको मिलेगा क्यू एन बार पे, है ना। वो मेथड थोड़ा लेंदी होता है, उसको यूजुअली गेट क्वेश्चन सॉल्व करने में अपन यूज नहीं करते हैं, आप सिंपली यहाँ पे इसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ रही बात। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, ये अपने पास गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये दोनों आउटपुट निकल के जा रहे हैं और ये जेके फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई हो रहे हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स जे और के में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जे और के एक्सप्रेशन निकालना है, अगर इसका एक्सप्रेशन निकलेगा मतलब इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट निकलेगा। अब अगर इसको ध्यान से आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो यहां पे सर जे का एक्सप्रेशन और के का एक्सप्रेशन किस इनपुट के फॉर्म में होगा, चलो बताओ किस इनपुट के फॉर्म में होगा, क्या लगता है आप लोग को किस इनपुट के फॉर्म में होगा, क्या पूछा मैंने आप लोग को, जे और के का जो एक्सप्रेशन आएगा वो किसके फॉर्म में होगा, यस ए बी और क्यू एन, ठीक। एक्चुअली ए और बी के फॉर्म में ही होगा, आप देखोगे ए और बी ये दोनों कॉम्बिनेशन सर्किट के इनपुट्स है और इसी इनपुट के लिए अपने पास एक्सप्रेशन आएगा आउटपुट का, और कॉम्बिनेशन सर्किट का जो आउटपुट है वो जे और के फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं, आपके पास ये सर ए और बी है क्या, सर ये तो गजब हो गया ना, ए और बी आप पे क्यू एन प्लस वन, ये तो एक ट्रूथ टेबल गिवन है आपको, है ना, ट्रूथ टेबल गिवन है, तो आप बोल सकते हो सर कि यहां पे आपके पास कौन सा फ्लिप फ्लॉप बन रहा है, क्या बोलते हैं आप लोग, कौन सा फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है और कौन सा फ्लिप फ्लॉप अपने पास अवेलेबल है,
चलो बताओ कौन सा फ्लिप फ्लॉप इंप्लीमेंट करना है। फिगर समझ में आएगा नहीं आप लोग को? फास्ट रिप्लाई। यस एग्जैक्टली, फ्लिप फ्लॉप अपने को इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे ए बी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन है सर? ये अपने पास अवेलेबल है, मतलब कि जेके फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे सर? एक्साइटेशन टेबल ऑफ जो अवेलेबल है जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक। ये क्योंकि आप जे और के को यहाँ पे उसके इनपुट को एक्साइट कर रहे हो, मतलब एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। और जो आपको इंप्लीमेंट करना है उसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाओ, मतलब ए बी फ्लिप फ्लॉप के, ठीक। तो मैंने लिखा क्यू एन प्लस वन और ये जे और के, बड़ा आसान है, बहुत बार हम लिख चुके हैं और होप सो आप लोग को याद हो भी गया होगा ये, है ना। इतनी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। जीरो 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 वन वन जीरो वन वन जीरो वन एक्स 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 वन जीरो, ठीक। चलो अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ ए बी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखा हूं ए बी क्यू एन, क्यू एन प्लस वन और यहां पे जे और ये के। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसके रिलेटेड हम लोग। जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 डबल जीरो वन जीरो वन 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 जीरो वन वन वन, ठीक। यहाँ पे ए बी को देखो आप सर, जीरो जीरो के लिए क्यूब, मतलब कि इसका टॉगलिंग हो रहा है। कौन सा ये टॉगलिंग सर? जीरो वन के लिए सेट हो रहा है, जीरो वन के लिए सेट सर। वन जीरो के लिए होल्ड स्टेट जीरो वन, और वन वन के लिए रीसेट स्टेट। बड़ा आसान है, नहीं तो हम लोग तो पहले सीख चुके हैं, ठीक। अब बारी आती सर जे और के क्या होगा। तो यहाँ पे देखो जीरो जीरो ये जीरो वन, जीरो वन को देखो सर वन एक्स, वन जीरो को देखो सर एक्स वन, फिर ये वन एक्स एक्स जीरो, फिर जीरो जीरो के लिए जीरो एक्स, वन वन के लिए एक्स जीरो, और जीरो 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 एक्स, और लास्ट में वन जीरो के लिए एक्स वन। बस यही होना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहां से जे का एक्सप्रेशन हम निकालने वाले हैं यूजिंग के मैप, और एट सेल्स के यहां पे के मैप लगेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा ए बी क्यू एन, ए बार ए और यहां से बी क्यू एन, बी बार क्यू एन और ये बी बार क्यू एन, ये बी क्यू एन और ये बी क्यू एन। फिल करता हूं वन एक्स वन एक्स जीरो एक्स जीरो एक्स। तो आपको दिख रहा है क्वाड बन रहा है, ठीक है ना, सभी को दिख रहा है क्वाड बन रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि जे का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है, जे का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है अपने पास सर? ए बार। दिख गया सभी को ये? कितने लोग का ये आया है देखो बताओ, कितने लोगों ने सॉल्व किया था कि जे की वैल्यू ए बार आई है? फास्ट रिप्लाई, कितने लोगों ने यहां तक सॉल्व किया पहले से ही? ठीक है, सभी का आया, हाँ ए बार, ठीक है। चलो तो यहां पे k इज इक्वल टू के लिए अपन फाइंड कर लेते हैं, फिर से k मैप ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहां पे, और यहां मैं लिखूंगा a b q n। तो b बार q n बार b बार q n b q n और b q n बार, यहां पे हो गया a बार और ये a, ठीक। इसको फिल करते हैं x वन एक्स जीरो एक्स जीरो एक्स वन। सर क्या हो रहा है यहां पे बताओ, तो क्या हो रहा है चेक करो बताओ। x वन एक्स जीरो ठीक, x जीरो एक्स वन, क्या बनाना चाहिए यहां पे?
क्वाड बन रहा है क्या अपने पास? क्वाड बन रहा है यहाँ पे कोई? क्या बोलते हैं आप लोग, क्वाड बन रहा है? सर बिल्कुल भी नहीं है, एडजेसेंट सेल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसका पेयर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे के की वैल्यू क्या मिलेगी सर? ये हो जाएगा ए बार बी बार प्लस इसके पेयर के लिए अपन लेंगे यहाँ पे ए और ये बी। इसका मतलब सर के का एक्सप्रेशन अपने को मिल रहा है ए एक्स और बी। ठीक, और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जे और के का जो भी एक्सप्रेशन आएगा वही एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक्सप्रेशन होने वाला है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में आएगा? जो कॉम्बिनेशनल सर्किट का आपने इनपुट अप्लाई किया है, कौन सा इनपुट सर? ए और बी। ठीक है, ओके, आप देख सकते हो जे की वैल्यू ए बार, के की वैल्यू ए एक्स नॉर विथ बी आई है। ठीक, इसका ऑप्शन मैंने आपको लिखवाया नहीं है, आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं।
ओके सो ये कभी क्वेश्चन के ये स्टेटमेंट हो गया और ये ऑप्शन अभी क्वेश्चन का फिगर बचा हुआ है. काफी बड़ा क्वेश्चन था ये. ठीक तो ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आया था अपने पास गेट 2008 में. आज से 12 साल पुराना क्वेश्चन है ये. ठीक है गेट 2008 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच. ठीक है क्वेश्चन देखने में थोड़ा लग रहा होगा आपको लेकिन आसान क्वेश्चन एक्चुअली में आराम से आप सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन को आप टाइम दो बनेगा क्वेश्चन आपसे. ठीक है नोट कर लिए क्वेश्चन पूरा रिप्लाई करेंगे फास्ट. नोट कर लिए क्वेश्चन. ओके सो आप क्वेश्चन नोट करो आराम से. मैं जस्ट एक मिनट में वापस आ रहा हूं.
ओके नोट करिए क्वेश्चन. रिप्लाई नहीं करते हो पता है. चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. फॉर अ सर्किट शोन इन द फिगर डी हैज अ ट्रांजिशन फ्रॉम जीरो टू वन. ये डी अपने पास है, जीरो से वन पे ट्रांजिशन हो रहा है. ठीक, आफ्टर द क्लॉक चेंजेस. कब हो रहा है डी में ट्रांजिशन? जब क्लॉक चेंज हो रहा है वन से जीरो में. और यही आपको फिगर वाइज भी गिवन था, आप देख सकते हो. ठीक है, पहले क्लॉक यहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है वन से जीरो पे, उसके कुछ देर बाद डी जीरो से वन पे ट्रांजिट हो रहा है. ठीक, और लेट सपोज मैंने बोला कि चलो ये ड्यूरेशन अपने पास कितना है, सर टी नॉट है, बराबर है ना. अब लिखा हुआ है कि एज्यूम गेट डिले, जितने भी गेट लगे हुए हैं सारे के सारे उसमें जो डिले है वो नेग्लिजिबल है, ये लिखा हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, या हो सकता था इनवैलिड हो या वैलिड, जो भी हो. ठीक, जो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सा यहाँ पे वैलिड है, मतलब कौन सा करेक्ट होने वाला है फॉर दिस क्वेश्चन एंड फॉर दिस पर्टिकुलर लॉजिक डायग्राम. अभी आपको दिख रहा है सर कि जब मैं यहाँ पे बात करता हूं, जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्लॉक के चेंजेस का, ठीक है, पहले क्लॉक चेंज हो रहा है सर, क्लॉक वन से जीरो पे ट्रांजिट हो रहा है. ठीक, और यहां पे जो डी है ये कौन सा टाइम हो गया, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग देखो ध्यान से देखना, ड्यूरिंग वॉट सर, ड्यूरिंग टी नॉट, ये टाइम. तो क्लॉक कितने पे लगा हुआ है सर, डी फ्लिप फ्लॉप जो है अभी भी वन जीरो पे ही बना हुआ है, ध्यान रखना. तो यहां मैं बोल सकता हूं कि सर जो क्लॉक है वो अभी जीरो है, और यहां से बोल सकते हैं डी जो है वो अपने पास जीरो है इस ड्यूरेशन पे. ठीक, तो मैंने यहाँ पे दोनों जगह पे जीरो अप्लाई किया, बढ़िया सा. ठीक है, तो ये जीरो है, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आएगा. अगर ये जीरो है तो ये कौन सा ऑपरेशन हुआ, इन्वर्टर, ये वन आ गया. सर नॉर गेट में जीरो और वन क्या होता है, सर जीरो होता है. ठीक है, उसके बाद नॉर गेट में अगर एक भी जीरो होता है तो सर कुछ भी हो सकता ना, ये तो समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं. अब यहाँ पे लेकिन ध्यान से देखोगे ये तो जीरो है ना, तो जीरो और जीरो क्या बनते हैं, वन बनते हैं. अगर नॉर गेट का एक भी इनपुट वन हो गया तो आउटपुट जीरो होता है. ये जीरो यहां पे ट्रांसफर होगा तो जीरो और जीरो क्या बनेंगे सर, सर ये बनेंगे वन. तो आप देख सकते हो ये अपने पास कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है और ये नॉर्मल आउटपुट है. ठीक, अपने को कमेंट कहां पे करना है, आप देख रहे होंगे जितना भी बात हो रही है यहाँ पे सब क्यू के लिए बात हो रही है. किसके लिए बात हो रही है, क्यू के लिए, मतलब नीचे वाले आउटपुट के लिए, नॉर्मल आउटपुट की वैल्यू कितनी आई सर, जब क्लॉक ट्रांजिशन हुआ था वन से जीरो पे तो क्यू की वैल्यू वन है, सिंपल ना. तो आप चेक करो क्यू गोज टू वन एट क्लॉक ट्रांजिशन, ठीक, क्यू गोज टू जीरो मतलब ऑप्शन भी नहीं हो सकता है ना, क्यू गोज टू वन, ऑप्शन सी हो सकता है क्यू गोज टू जीरो, ये देख लो, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कोई एक आंसर होने वाला है. अब ये कैसे अपने पास क्लेरिफाई होगा, अब डी की भी तो बात हो रही है ना, ऑप्शन आप चेक करोगे तो डी की भी बात हो रही है ना. तो अब डी को चेक करते हैं. मैंने यहां पे बोला कि सर आफ्टर द ड्यूरेशन, आफ्टर द ड्यूरेशन टी नॉट, टी नॉट के बाद क्या हो रहा है सर, क्लॉक अपने पास जीरो पे रह चुका है ऑलरेडी, ये जीरो पे ही है, और इसी टाइम के बाद ये डी वन हो गया, पहले डी जीरो था तो ये हो गया वन. ठीक, अब ये दोनों के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं. तो सब मैं यहां से रिमूव करने वाला हूं, ये ध्यान से देखना आप क्या बोल रहा हूं. इस सब इसको मैं रिमूव कर देता हूं. ठीक, तो सब मैंने यहां से रिमूव कर दिया. अब फिर से मैं लिखता हूं यहां पे, सर क्लॉक जीरो पे है डी वन पे है, तो ये हो जाएगा जीरो, यहां पे जीरो, ये जीरो सर, जीरो जीरो वन, फिर ये वन और ये जीरो, वन जीरो सर, वन जीरो कितना होता है, जीरो होता है. ठीक, नॉर गेट का एक भी अगर आउटपुट, एक भी इनपुट वन है तो ये जीरो होगा, जीरो यहां जाएगा, जीरो जीरो वन के वन, मतलब क्यू बार वन और क्यू जीरो, अपने को तो फोकस यहां पे करना है ना.
तो क्यू देखो जीरो हो रहा है, सीधा जीरो कैसे हो गया, यहां पे आपके पास क्यू जो है वो वन आया था और यहां पे क्यू जो है आपके पास कितना आ गया सर जीरो, मतलब कि सर स्टे एट वन, तो ये तो अपने पास हो ही नहीं रहा है, आप देख सकते हो है ना। तो ऑप्शन सी कंफर्म होना चाहिए आंसर, जो क्लॉक ट्रांजिशन पे ये वन पे आ गया और फिर ये गोस टू जीरो हो गया, देखो जीरो हुआ ना कब, व्हेन डी गोस टू वन, बस कौन सा आंसर सर ऑप्शन सी। मस्त क्वेश्चन था ना बताओ। तो ये इस टाइप के एनालिसिस आपको करने आना चाहिए। अब ये एनालिसिस आपके पास तभी समझ में आएगा ये जो जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, जो लोगों ने फ्लिप फ्लॉप की जो क्लास मैंने करवाई थी पिछले दो क्लास में, हम लोग फ्लिप फ्लॉप की पूरी बात की है कल और परसों है ना, तो मैंने पूरा उसमें ऑपरेशन आपको बताया, डायरेक्टली मैंने फ्लिप फ्लॉप का फिगर नहीं बताया और उसके बाद मैंने उसका ट्रू टेबल लिखवा दिया, कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखवा दिया, सब कुछ मैंने पूरा ऑपरेशन बताया और सेम ऑपरेशन का जो आप लोगों ने सीखे हैं वो सेम यहाँ पे यूज हो रहा था, आप देखे हो ठीक। तो बताओ क्वेश्चन कैसा था, सिंपल था नहीं, आराम से हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना देर लोगे, आपको लगेगा सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट लगेगा आपको, क्वेश्चन आप पढ़ लिए चलो फिर आप सॉल्व करने में एक मिनट लोगे बस, नथिंग एल्स। चलो हो गया नोट किए। आज आप लोग कमेंट कैसे नहीं कर रहे हो, मन नहीं कर रहा क्या पढ़ने का, क्लास खत्म यहीं पे कर दें, कमेंट कैसे नहीं कर रहे हो आज। सर मन नहीं कर रहा क्या पढ़ने का, बताओ तो, बताओ जो भी है सच बताओ। ठीक है मुझे लगा यस सर बोल रहे हो, सर हाँ मन नहीं कर रहा है, बताओ तो बाकी लोग कहाँ हैं, बाकी लोग कमेंट करो। ठीक तो हम लोग यहाँ पे बात कर लिए अभी तक पूरे फ्लिप फ्लॉप का, फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन कैसे होता है, उसके बाद हम लोगों ने बात यहाँ पे ये भी कर लिया है कि सर जो फ्लिप फ्लॉप हम लोग बना रहे थे उससे स्टेट इक्वेशन सॉरी नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसका लॉजिक डायग्राम डिजाइन कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। जितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आते हैं फ्लिप फ्लॉप से, फर्स्ट स्टेप है ये अपने पास, सिक्वेंशियल सर्किट का फर्स्ट स्टेप अपने पास कंप्लीट हो चुका है। ठीक अब बारी आती है सर जो हम लोग काउंटर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है काउंटर्स पढ़ने वाले हैं, सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर। बिफोर दैट अपने को यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ना है, वो है स्टेट टेबल एंड स्टेट डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसका एप्लीकेशन जो है आपको आगे तक पूरे लास्ट तक आपको दिखने वाला है। ठीक अभी सर होते क्या है देखो मैं आपको बताने वाला हूं। ओके हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट में दो टाइप की चीजों की बात करते हैं, सबसे पहला जो अपने पास है प्रेजेंट स्टेट, ठीक है और प्रेजेंट से अपने को यहां पे जाना होता है नेक्स्ट स्टेट में, नेक्स्ट स्टेट। ठीक ये इन चीजों की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ओके तो सिक्वेंशियल सर्किट का आपने यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा था कि जब भी हम लोग किसी भी जब भी हम लोग नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं तो
तो जो प्रेजेंट इनपुट होता है, तो जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे और पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करता है। तो समझ लो ये पास्ट आउटपुट हो गया, मतलब अभी का स्टेट, और नेक्स्ट स्टेट क्या आने वाला है, क्या आप इसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें में अपन फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। कैसे, आप लोग देखना। सर ये स्टेट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं सर मेरे पास एक इनपुट है, ये है इनपुट ए, तो ये हो गया जीरो और ये हो गया वन, तो ये एक्चुअल में क्या शो कर रहा है, ये इसके स्टेट को शो कर रहा है, ये है जीरो और ये जो अपने पास है ये वन, ये इसके स्टेट को शो करता है। समझ में आ रही बात, ठीक। तो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें कोई एक सर्टेन कंडीशन होगा, उसी कंडीशन पे बेस्ड यहाँ पे प्रेजेंट से नेक्स्ट स्टेट पे हम लोग ट्रांजिट होंगे, यहां समझना आप लोग। और वो जो ट्रांजिशन होगा अपने पास वो किसी इनपुट कंडीशन और किसी आउटपुट कंडीशन पे बेस्ड होगा। ये आप लोग को मैं आगे चल के सब एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन लूंगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे आप ट्रांसफर किस बेस पे हो रहे हो, कुछ एक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे। जैसे हम लोग अगर एक जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो जेके फ्लिप फ्लॉप में सेट इनपुट कब मिलता है, जब जे और के का कॉम्बिनेशन होता है वन और जीरो। वैसे ही जब हम लोग यहां पे बात करते हैं टॉगलिंग ऑपरेशन के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप में, तो जे और के इनपुट का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, सर वन वन होना चाहिए। तो एक सर्टेन कॉम्बिनेशन के लिए प्रेजेंट से नेक्स्ट स्टेट में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रांजिशंस हो रहे हैं, सम इनपुट काइंड ऑफ यहाँ पे और आउटपुट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक। अब वो इनपुट आउटपुट क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके वरी मत करो, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं नेक्स्ट से वापस से अपने पास्ट आउटपुट पे आ गया, ठीक, नेक्स्ट स्टेट अपने पास मैं पास आउटपुट पे आ गया, आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट स्टेट से मैं वापस प्रेजेंट स्टेट पे आ गया, तो उसके लिए भी एक काइंड ऑफ यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा इनपुट एंड आउटपुट का, ठीक। तो ये जो फिगर अपने पास बन रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट डायग्राम, ठीक। नाम से आपको पता चल रहा है स्टेट टेबल, स्टेट टेबल मतलब एक ऐसा टेबल जहां पे हम लोग पूरे जो कॉलम्स तैयार करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि सर अभी का स्टेट क्या है और नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाला है, ठीक। अभी का स्टेट क्या है और नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो डिपेंड करता है आप इनपुट और आउटपुट के किस तरह के कॉम्बिनेशन आप लेते जा रहे हो। समझ में आ रही बात, ठीक। और स्टेट डायग्राम क्या हो रहा है, उसी स्टेट टेबल को हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट से, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट से शो करेंगे, उसको हम बोलते हैं स्टेट डायग्राम, ठीक है, ओके। और स्टेट डायग्राम को अपन एक और नाम से पुकारते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट स्टेट मशीन। फाइनाइट स्टेट मशीन, इसका कोई डेफिनेशन वगैरह मैं आपको लिखवाने नहीं वाला, ठीक है, कोई काम का नहीं होता है, बस आप समझते रहो, वही क्वेश्चन आता है, ठीक। अब मैं यहां पे इसको नोट करो, पहले आप इसको नोट करो। ठीक, जस्ट ये इंट्रोडक्टिव पार्ट था अपने पास स्टेट डायग्राम स्टेट टेबल का। अब ये होता क्या है मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, लिख लिए ना, रिप्लाई करो, नोट कर लिए पूरा। ठीक, चलो अब ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक बढ़िया सा मस्त क्वेश्चन लेने वाला हूं, समझ लो कि वो एग्जांपल है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा ये होता क्या है, कैसे स्टेट टेबल बनता है, कैसे स्टेट डायग्राम बनता है, एक मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है, ठीक। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, नेक्स्ट इक्वेशन आर गिवन, नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन आर गिवन, ए एन प्लस वन, ए एन बार, बी एन
प्लस बी एन बार बी एन प्लस वन ए एन प्लस बी एन बार ठीक ओके इसको लिखिए आप आगे लिखो ऑब्टेन इट्स स्टेट टेबल लिखेंगे इसके आगे ऑब्टेन इट्स स्टेट टेबल स्टेट डायग्राम ठीक है लिखेंगे स्टेट टेबल स्टेट डायग्राम एंड इंप्लीमेंट इट्स लॉजिक डायग्राम एंड इंप्लीमेंट इट्स लॉजिक डायग्राम यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप ठीक है ये लिखा आपने तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट को टॉपिक को मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बताने वाला हूं मस्त रहेगा आप लोग ध्यान से देखते रहना ठीक साथ में आप नोट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बस आप लोग सुनते रहना यहाँ पे क्योंकि जो मैं आप चीज यहाँ पे बताने वाला हूं ये पूरे सिक्वेंशियल के लास्ट तक यूज होने वाला है पूरा लास्ट तक है ना अभी तक का जो टॉपिक था जो हम लोग दो दिन से पढ़ रहे हैं कल और आज का तो आप देखियोगे उसमें बड़ा सिंपल सा चीज था कोई बड़ी चीज नहीं थी डी फ्लिप फ्लॉप इतना तो हम लोग अपने कॉलेज में भी किए होंगे यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से एक्चुअल सिक्वेंशियल स्टार्ट होता है ठीक है तो नेक्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है अब मुझे आपको दिख रहा है कि सर इसका जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करके आपको ये स्टेट टेबल स्टेट डायग्राम सब कुछ बनाना है और ये आपके पास क्या गिवन है सर नेक्स्टेड इक्वेशन गिवन है एक बात बताओ सर यहाँ पे आपको नेक्स्टेड इक्वेशन कितने गिवन है सर आपके पास दो नेक्स्टेड इक्वेशन गिवन है ठीक जब आप किसी फ्लिप फ्लॉप को पढ़ते हो चाहे वो कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो है ना तो फ्लिप फ्लॉप पढ़ने से आपने लेट सपोज जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ा तो जेके फ्लिप फ्लॉप से आपके पास कितने नेक्स्टेड इक्वेशन है सर एक ही तो होगा ना नेक्स्टेड इक्वेशन कितना है सर एक है यहाँ पे नेक्स्टेड इक्वेशन कितने गिवन है सर दो नेक्स्टेड इक्वेशन गिवन है तो आपको यहीं से पता चल गया कि जब मैं इसका लॉजिक डायग्राम बनाऊंगा तो दो नेक्स्टेड इक्वेशन के लिए वी रिक्वायर टू फ्लिप फ्लॉप्स कितना सर टू फ्लिप फ्लॉप्स ओके तो अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूं लेट सपोज ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन बार बी एन प्लस बी एन बार ये ठीक तो ये मैंने यूज किया फ्लिप फ्लॉप नंबर ए सर ये आपने ए नाम क्यों दिया है अब याद करो आप लोग सर जब मैं यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप का नेक्स्ट इक्वेशन लिखता हूं तो मैं क्या लिखता हूं सर जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन सर याद आया क्या अपने को बिल्कुल सर याद आ गया कल ही आपने बताया था ठीक है आज भी हम लोग यूज किए हैं ये होता है तो ए एन प्लस वन है तो ये तो खाली नोटेशन है ना आउटपुट के नोटेशंस हो गए तो ये क्यू एन प्लस वन क्या लिखा है ए एन प्लस वन इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है है ना अगर आप देखोगे तो फ्लिप फ्लॉप नंबर ए का जो नोटेशन होगा वो होगा ए एन प्लस वन इक्वल टू जे ए जे इनपुट फॉर फ्लिप फ्लॉप ए और यहां पे हो गया क्यू ए और क्यू ए की जगह मैं क्या लिखूंगा यहां पे सर क्यू ए की जगह पे आप लिखेंगे ए एन बार प्लस के ए बार और ये ए एन बराबर है ना ऐसे दिखेगा आपके पास ये देख लो ठीक अब आप ये दोनों को कंपेयर करो अब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिख रहा है सर कंपैरिजन से मैं यहाँ पे जे और के की वैल्यू निकाल सकता हूं लेकिन आप ध्यान से देखोगे सर ए एन बार आपके पास अवेलेबल है ये ठीक है ना लेकिन सर आपके पास ए एन अवेलेबल है दूसरे टर्म पे नहीं सर तो आप क्या करते हो आप ए एन को लेके आओगे क्यों सर ए एन क्यों लाना आपके लिए जरूरी है क्योंकि यार क्यू एन बार का कॉफिशियंट जे बनेगा और क्यू एन का कॉफिशियंट के बार बनेगा तो जे और के इनपुट्स आपको लाने हैं तो आपको दोनों टर्म्स में क्यू एन बार और क्यू एन मौजूद होने चाहिए याद है हम लोग ये कहां पे करते थे मल्टीप्लेक्सर में इंप्लीमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बुलियन फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर में हम लोग इंपॉर्टेंस देते थे वहां पे सिलेक्शन लाइन को जो भी आप सिलेक्शन लाइन यूज करोगे वो सिलेक्शन लाइन के हर एक टर्म होने चाहिए तो ये सेम काइंड ऑफ ऐसा ही यहाँ पे है ठीक है तो आपको दिख रहा है सर ए एन बार यहाँ पे है यहाँ पे ए एन नहीं है तो कंपेरिजन आप यहाँ पे कर ही नहीं सकते पहली बात तो ये नहीं हो सकता अब क्या करेंगे इसको एडजस्टमेंट करेंगे
तो ये हो जाएगा ए एन प्लस वन इक्वल टू ए एन बार, ये बी एन प्लस, कहां पे नहीं है वहां पे लेके आ जाओ ए एन प्लस ए एन बार। ठीक, समझ में आ रहा है? जो भी डाउट्स होंगे पूछ लेना बीच में कमेंट करके, ठीक है? तो ये हो जाएगा ए एन बार बी एन प्लस बी एन बार ए एन प्लस ए एन बार बी एन बार। सर इसको आगे सॉल्व किए, ए एन बार कॉमन तो बी एन प्लस बी एन बार ये हो गया, और ये हो गया ए एन बी एन बार। इसका मतलब सर ए एन बार प्लस ए एन बी एन बार। अब आप लोग खुद देख सकते हो क्या ये कंपैरिजन के लायक है? तो बोलोगे सर बिल्कुल है ये कंपैरिजन के लायक। तो आप ये दोनों को कंपेयर करो, ये एरो बना देता हूं मैं, तो आपको क्या मिला सर? ए एन बार का कॉफिशियंट है अपने पास जे ए, और ये वैल्यू हो गई अपने पास वन। कोई भी दिक्कत नहीं सर? यहां पे है के ए। सर ए एन का कॉफिशियंट होता है के ए बार, ए एन का कॉफिशियंट है बी एन बार, दोनों में बार लगे हुए हैं, तो के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगी बी एन। समझ में आया क्या? मस्त तरीके से, ठीक है, ओके, बड़े प्यार से आपको बता रहा हूं मैं यहां पे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सर फ्लिप फ्लॉप नंबर बी के लिए। फ्लिप फ्लॉप बी, सर बी के लिए बात करेंगे बी एन प्लस वन, और ये हो जाएगा सर जे बी। फ्लिप फ्लॉप बी के लिए जे इनपुट, ठीक, यहां पे सर बी एन बार, हाँ बी एन बार प्लस, और यहां पे हो जाएगा के बी बार, और ये बी एन। आपके पास गिवन क्या है सर यहां पे? ये देखो सेकेंड नंबर आपके पास गिवन है बी एन प्लस वन इक्वल टू ए एन प्लस बी एन बार। अब आप यहां पे इंपॉर्टेंस किसको दोगे? फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स को, बी एन बार और बी एन को। क्या अभी ये कंपैरिजन के लायक है सर? बी एन बार तो अवेलेबल है लेकिन बी एन अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबल कराओ उसको। कहां पे कराना पड़ेगा? यहां पे। समझ में आ रही बात? तो देखो ये हो गया बी एन प्लस वन इक्वल टू ए एन, जहां पे अवेलेबल नहीं है उसको जबरदस्ती ले आओ वहां पे, ये ले आया मैंने, तो यहां पे हो गया बी एन बार बी एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन बी एन प्लस ए एन बी एन बार प्लस बी एन बार। आगे सॉल्व किए तो बी एन प्लस वन आपको मिला ए एन बी एन प्लस, सर बी एन बार कॉमन हुआ तो ये बच गया ए एन प्लस वन। इसका मतलब सर बी एन प्लस वन की वैल्यू आ गई अपने पास बी एन बार प्लस ए एन बी एन। अब आप खुद देखो इसको कंपेयर करके आपको क्या मिल रहा है कंपैरिजन से। सर कंपैरिजन किससे करना है अपने को? ये देख लो, ये जो आपके पास गिवन है, तो आपको मिला सर यहां पे आपको मिला जे बी। जे बी क्या है? वन, ठीक है, सभी को दिख रहा है ये। और उसके बाद सर के बी कितना है? सर बी बैन का कॉफिशियंट, तो बी एन का कॉफिशियंट होता है के बी बार, तो ये ए एन है, मतलब सर ये हो जाएगा ए एन बार। चलो पहले आप ये बताओ यहां तक समझ में आया क्या? जल्दी से रिप्लाई करो, यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है, आगे बढ़े हम यहां पे। तो सर अपने को फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट यहां पे मिल चुके हैं, आप जैसा देख सकते हो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स अपने को मिल चुके हैं। तो हम लोग यहां पे अब लॉजिक डायग्राम देख लेते हैं फिर, लॉजिक डायग्राम, ठीक, लॉजिक डायग्राम जो अपने को बनाना था। सर क्या यूज करके बनाना है? जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करके। कितना फ्लिप फ्लॉप है सर? दो फ्लिप फ्लॉप है, तो बढ़िया सा लगा दो ये दो फ्लिप फ्लॉप यहां पे, ठीक। यहां लिखा मैंने जे ए और ये लिखा मैंने के ए, यहां लिखा जे बी और ये के बी। यहां पे सर, सर यहां पे नोटेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेना होगा, ए एन और ये ए एन बार, यहां पे बी एन और ये बी एन बार, ठीक, यहां तक हो गया अपने बस। अब जे में कितना लगा हुआ है सर? जे में मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूं, ये अच्छा दिखेगा, ये वन लगा है। सर जे बी में भी वन लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद के ए कितना है सर? बी एन है, तो ये बी एन लगाओ इसमें, ये बी एन लगा दिया मैंने, मस्त हो गया ना ये, आप देख सकते हो। ये उसके बाद के बी में क्या है सर? ए एन बार, मस्त हो गया, लॉजिक डायग्राम तैयार, बस इतना सा था। तो ये लॉजिक डायग्राम हुआ।
है ना। उसके बाद अपने को क्वेश्चन में और भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं, स्टेट टेबल स्टेट डायग्राम। अब ये कैसे बनाते हैं सर वो देखो अब। ठीक, तो मैंने यहां पे लिखा स्टेट टेबल। स्टेट टेबल में हमेशा से बात होती है सबसे पहले प्रेजेंट इनपुट, प्रेजेंट स्टेट लिखो इसको आप, प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, उसके बाद यहां पे फ्लिप फ्लॉप, इसको ऊपर लिखता हूं मैं, फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। ठीक, और नेक्स्ट स्टेट। ठीक, ध्यान से देखता हूं आप लोग। तो प्रेजेंट स्टेट कौन कौन है सर? सर ए एन और बी एन, यही है ना, प्रेजेंट स्टेट हो गया। आपको याद होगा मैंने बात किया था स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम में कैसे बनाते हैं। सर प्रेजेंट स्टेट होता है और नेक्स्ट स्टेट होता है, और जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन या आउटपुट कॉम्बिनेशन, तो आउटपुट की तो यहाँ पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो प्रेजेंट स्टेट हो गया दोनों फ्लिप फ्लॉप और ए एन बी एन। सर नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? ए एन प्लस वन और यहाँ पे बी एन प्लस वन, ये। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात। अब सर फ्लिप फ्लॉप इनपुट कौन कौन से हैं? तो फ्लिप फ्लॉप को देखो आप, सर फ्लिप फ्लॉप है जे ए की वैल्यू वन, ये हो गया एक। फिर सर के ए कितना है? सर ये तो बी एन है, बढ़िया सा। फिर उसके बाद सर जे बी, ये भी वन है। और उसके बाद छोटा हो गया स्पेस यहां पे। ठीक, और यहां पे हो गया के बी। सर के बी कितना है? ये हो गया ए एन बार। इस तरीके से बनने वाला है अपने पास स्टेट टेबल। ठीक, ओके, देखो यहां से देखना मैं क्या करने वाला हूं। स्टेट टेबल कैसे बना लिए, क्या क्या कॉलम्स होते हैं, प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट से आप नेक्स्ट स्टेट पे कैसे आ रहे हो, अपने आप आ जाओगे क्या? आप एक जगह पे खड़े हो, आप दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो कुछ एक कंडीशन लेके जा रहे हो ना, है ना, कुछ एक मोटो लेके जा रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है फ्लिप फ्लॉप इनपुट। मतलब मैं बोल सकता हूं कि आप जब तक फ्लिप फ्लॉप को एक्साइट नहीं करोगे तो वो वर्क कैसे करेगा, किस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए नेक्स्ट स्टेट से प्रेजेंट स्टेट पे जाएगा, वो ये आपको स्टेट टेबल बताता है। ठीक, उसके बाद प्रेजेंट स्टेट पे आप खड़े हो, लेट सपोज आप प्रेजेंट स्टेट आपने एज्यूम किया कि ये है जीरो जीरो, ये मैंने एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं इनिशियल स्टेट, मैं लिख देता हूं बढ़िया सा एज्यूम इनिशियल स्टेट जीरो जीरो, किसके लिए? ए एन और बी एन के लिए। तो सर आपके मन में डाउट ये आया होगा कि आपको हमेशा इनिशियल स्टेट एज्यूम करना पड़ता है क्या? तो मैं बोलूंगा हमेशा नहीं, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, या तो आपको कई बार एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, ओके, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा जीरो जीरो ही गिवन होगा क्वेश्चन में, कुछ भी हो सकता है, वन वन गिवन होगा, वन जीरो, जीरो वन गिवन होगा, ये मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, है ना, इसके लिए वरी मत होना। अब यहाँ पे सर ये तो वन है ना, सर के की वैल्यू बी एन है तो ये जीरो, सर ये वन है ये ए एन बार, सर ये जीरो तो ये ए एन बार वन हो गया। ठीक, अब मुझे आप एक बात बताओ, जल्दी से बताओ सर, जे ए और के ए फ्लिप फ्लॉप के दो इनपुट्स, ये फ्लिप फ्लॉप ए और ये फ्लिप फ्लॉप बी। ठीक, जे ए और के ए के वन और जीरो कॉम्बिनेशन के लिए फ्लिप फ्लॉप क्या बनता है? वन जीरो कॉम्बिनेशन के लिए फ्लिप फ्लॉप क्या बनता है बताओ जल्दी, वन और जीरो के लिए फ्लिप फ्लॉप का स्टेट कौन सा बनता है? जेके फ्लिप फ्लॉप, आंसर करेंगे सभी? यार जेके फ्लिप फ्लॉप की बात हो रही है, वन जीरो के लिए क्या बनता है, वन जीरो के लिए कौन सा स्टेट तैयार होता है? सर सेट स्टेट, मतलब ये आउटपुट हो गया वन। ठीक, फ्लिप फ्लॉप ए की बात हुई है, अभी दूसरे फ्लिप फ्लॉप को देखो, सर जे बी और के बी वन वन है, जब जे और के इनपुट वन वन होते हैं तो कौन सा स्टेट निकल के आता है? होल्ड स्टेट, रीसेट स्टेट, सेट स्टेट या टॉगलिंग स्टेट? रिप्लाई फास्ट,
वन वन के लिए, ये वन वन के लिए टॉगलिंग स्टेट, मतलब अगर ये टॉगल हो रहा है तो टॉगल होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप ये देखोगे पहले इसका स्टेट क्या था, सर जीरो था, अब ये क्या बनेगा वन, मस्त है क्या? ठीक, ये हो गया नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट से आप आ गए नेक्स्ट स्टेट पे। ओके, अब यहां पे ये जो नेक्स्ट स्टेट है उसको मैं वापस यहां पे ला रहा हूं वन वन, ये है ना अपने पास नेक्स्ट स्टेट वन वन, ये आ गया अपने पास एज अ प्रेजेंट स्टेट। अब देखते हैं कि वन वन के बाद आप जीरो जीरो पे थे, आप पहुंचे नेक्स्ट स्टेट वन वन पे, अब देखते हैं आप वन वन के बाद कहां जाओगे। ठीक, तो वन वन के बाद इसको मैं नोट करता हूं, तो ये तो अपने पास वन है सर, बी एन वन, ये वन और ये जीरो, सर वन वन टॉगलिंग ऑपरेशन है ना, ये फ्लिप फ्लॉप ए अपने पास इनपुट, ये फ्लिप फ्लॉप बी। ठीक, वन वन का टॉगलिंग कितना होगा ये, तो ये वन का जीरो, ठीक, और ये वन जीरो का सर ये सेट स्टेट, मतलब ये वन बनेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट स्टेट या पास्ट आउटपुट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आपके पास जीरो वन बन गया सर, जीरो वन, तो यहां उतारो इसको वन वन और ये बी एन कितना वन और ये वन, सर सब वन हो गया, तो ये टॉगलिंग करेगा फ्लिप फ्लॉप ए को, तो ये टॉगलिंग से जीरो को क्या बनेगा वन। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप बी में आपको दिख रहा है वन और वन, वन और वन फिर से टॉगल करेगा, तो प्रीवियस आउटपुट क्या है वन, तो टॉगलिंग करके क्या बनेगा जीरो। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेट क्या आ रहा है अपने पास सर, नेक्स्ट स्टेट है वन जीरो, नेक्स्ट स्टेट है वन जीरो, अब उसको लेंगे एज अ प्रेजेंट स्टेट, चेक करते कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे वन और ये अपने पास जीरो और ये सर ये जीरो और ये वन, यहां ध्यान से देखो वन जीरो फ्लिप फ्लॉप ए दोनों इनपुट में वन जीरो है, इस कॉम्बिनेशन में आपको क्या मिलता है कौन सा स्टेट, सेट स्टेट, तो आपने लगा दिया वन। फ्लिप फ्लॉप बी में वन जीरो लगा हुआ है, तो वन जीरो का कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलता है सर, मिलता है आपको यहां पे क्या सेट स्टेट, मतलब आप लगाओगे वन, तो आपको ये पूरा स्टेट टेबल यहां पे तैयार हो रहा है। इसमें आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, आपने आपने यहां पे जीरो जीरो से स्टार्ट किया था, ठीक है, ध्यान से देखना आपने जीरो जीरो से स्टार्ट किया, उसके बाद आप कहां पे गए, आप गए यहां पे वन वन पे, ठीक, ये हो गया वन वन, फिर वन वन के बाद आप गए जीरो वन पे, सर ये हो गया अपने पास जीरो वन, फिर जीरो वन से आप कहां गए वन जीरो में, कहां गए सर ये देखो वन जीरो में, ठीक सर, वन जीरो के बाद आप कहां गए वन वन पे, इसका मतलब बैक टू दिस स्टेट, ये वन वन। ओके, बात समझ में आ रही है। ओके, ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं सर, जब अपन जीरो जीरो से वन वन पे गए, वन वन से जीरो वन पे गए और जीरो वन से वन जीरो पे गए, ठीक, तो वन जीरो के आने के बाद क्या हुआ, वन वन पे चला गया, ठीक है, तो वन वन के जाने के बाद वन वन के बाद क्या आएगा सर, वन वन के बाद फिर से जीरो वन, फिर जीरो वन के बाद वन जीरो, फिर वन जीरो के बाद फिर से वन वन, तो इस तरीके से ये चलता जाएगा, समझ में आ रही बात। तो ये अपने पास क्या यहाँ पे तैयार हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट डायग्राम, क्या बोलते हैं इसको अपन, स्टेट डायग्राम, जो रेड कलर में मैंने यहाँ पे बनाए हुए, क्या अपने पास ये स्टेट डायग्राम, ठीक। तो ये होता है एक पूरा कंप्लीट डिस्कशन कि एक नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम लोगों ने क्या यहाँ पे कर डाला, नेक्स्ट इक्वेशन को यूज किया मैंने, कौन सा फ्लिप फ्लॉप आपको यूज करना है वो आपको गिवन होगा, या आप क्वेश्चन से आप समझेंगे यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किया, नेक्स्ट इक्वेशन यूज किया, स्टेट टेबल बनाया मैंने, स्टेट टेबल कैसे बनता है, प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट विद सम इनपुट कॉम्बिनेशंस वी हैव, तो ये अपने पास इनपुट कॉम्बिनेशंस, ये इनपुट कॉम्बिनेशंस आपको कहां से मिल रहे हैं सर, नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन से मिल रहे हैं, ये देखो दोनों इक्वेशन को मैंने यूज किया और इसी टेबल को देखते हुए मैंने स्टेट डायग्राम बना दिया, बस समझ में आया क्या, बताओ। समझ में आया क्या, बताओ तुम।
सो भाई यहाँ पे पूछ रहे हैं सर जे ए के ए जे बी के बी की वैल्यू कहां से डिसाइड हुई, ये आपको गिवन है नेक्स्ट इक्वेशन, ये नेक्स्ट इक्वेशन को आप जेके फ्लिप फ्लॉप कहां से आया, ये क्वेश्चन में गिवन है, जेके फ्लिप फ्लॉप के नेक्स्ट इक्वेशन से आपने कंपेयर किया, ये पूरा कंपेरिजन है, और कंपेरिजन से आपको पता चला सर जे ए वन है के ए बी एन है जे बी वन के बी ए एन बार, यहां से आपको हर एक चीज पता चल रहा है, और इसी की हेल्प से मैंने लॉजिक डायग्राम बनाया, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया कैसे मिल रहा है फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स, अगर आपको स्टेट टेबल बनाना है ना, तो स्टेट टेबल बनाने के लिए मैं आपको बोलूं कि आप जीरो जीरो पे हो, ठीक, आप जीरो जीरो पे हो, आपको कहां जाना है सर, आपको वन वन पे जाना है, तो मैं आपको पूछूंगा सर आप जीरो जीरो से वन वन पे अचानक क्यों चले गए, है ना, तो कुछ एक कंडीशन पे गए हो गए आप लोग, और वो कंडीशन आपको पता चलती है फ्लिप फ्लॉप में क्या इनपुट अप्लाई हुआ है, समझ में आ रही बात, ये देख लो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स, ठीक, कुछ भी डाउट है आप पूछ लो यहाँ पे, आराम से आप टाइम दो इसको, मैंने बहुत सारा कुछ आपको बताया है, समझ में आ गया तो बढ़िया से रिप्लाई करना, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आ गया, नोट कर लो आप लोग आराम से। नोट करने के बाद आप लोग कमेंट कर देना फिर, ठीक है।
ठीक है, हो गया नोट। ठीक है, आराम से नोट करो, टाइम लो, क्या हो रहा है देखो, क्या हम लोगों ने किया है उसको आप सीखते रहो, कोई जल्दी नहीं है अपने को। ठीक, बताओ तो आप लोग नोट कर लिए क्या? सारे लोग नोट कर लिए, जितने लोग लाइव दिख रहे हैं अभी? ठीक है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आना। ठीक, अभी मैं इससे आगे एक्सप्लेनेशन है बचा हुआ है, इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अभी कुछ ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, दैट्स व्हाई इसको हम लोग कल देखते हैं कि कैसे है ना। अभी हम लोगों ने एक्चुअल में क्या किया है पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको उठा देता हूँ। ठीक, अभी हम लोगों ने क्या किया है, ध्यान से देखना, हम लोग के पास गिवन था नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इसके थ्रू हम लोगों ने यहां पे फाइंड किया जेके फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स। ठीक, फिर हम लोग यहां पे इसका लॉजिक डायग्राम बनाए। ठीक, फिर हम लोग स्टेट टेबल बनाए, स्टेट टेबल, फिर हम लोग स्टेट डायग्राम बनाए। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पे बनाए, ये पूरे स्टेप्स यहां पे लगे हैं। ठीक, अब मैं आपको बोलूंगा, एक चीज सजेशन करूंगा कि जब अपने पास यहां पे, अभी तो आप लोग यहां पे आराम से आपको लिखने दिया मैंने, ठीक, अब आगे से आपको तो सब चीज पता चल चुका है क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, क्या स्टेट टेबल होता है, क्या स्टेट डायग्राम होता है। ठीक, तो आप लोग मेरे साथ करते जाना प्रैक्टिस। ठीक है, आप लोग अपने आप से भी सॉल्व करना। आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेप्स आपके पास दिखे। ठीक, कल जब हम लोग क्लास मिलेंगे 5:00 को, 5 PM को, तो
तो हम लोग इसी का रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सर रिवर्स ऑपरेशन कहने का मतलब है कि अब आपको स्टेट डायग्राम गिवन होगा या स्टेट टेबल गिवन होगा और इसके थ्रू हम लोग स्टेट डायग्राम, स्टेट टेबल, लॉजिक डायग्राम, फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स निकालेंगे और उसी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन अपन फाइंड करेंगे। जस्ट रिवर्स ऑपरेशन, जो हम लोग स्टेट इक्वेशन से स्टार्ट किए थे हम स्टेट डायग्राम तक गए और उसी डायग्राम को यूज करके, स्टेट डायग्राम को यूज करके स्टेट टेबल बनाएंगे और स्टेट टेबल से अपन यहाँ पे इनपुट्स, फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स और नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन पे आएंगे सेम क्वेश्चन के साथ। ठीक, होप सो आप लोग घर पे ट्राई करना तो अच्छा लगेगा आपको, अदरवाइज मैं कल आपको 5 o'clock को यही बताने वाला हूँ। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय क्लास, थैंक यू। और जल्दी से बताओ क्लास आज कैसी लगी, समझ में आया सब कुछ? ठीक है, चलो।